रिविजन वर्क पेज नंबर लेसन नंबर टू। रिविजन वर्क पेज लेसन नंबर टू। दी एड्रेस दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेंट अकाउंट of a daughter, poignant means sad, dukhbari, of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. युद्ध के बाद हॉलैंड में मम्मी की दीवी कुछ सामान लेने के लिए जाने वाली एक लड़की की दुखभरी कहानी है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वो सामान पाया जाता है तो उसकी यादें उधर की ओर ले जाते। However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. आखिरी में उसने वो चीज़ें छोड़ने का डिसाइड किया। तो ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस लेसन। फॉर द टाइम बीइंग इट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन। सो I would like to read once again. Suppose somebody is there that who has not received this video, it will be beneficial for those students and the students those who have taken admission latest, it will help them for their first term examination. Okay. Address. Do you still know me? I asked. मैंने उससे पूछा आप मुझे जानते हो क्या? The woman looked at me searchingly. लेडी से पूछा आप मुझे जानते हो क्या? वो मुझे ध्यान से देखने लगी। She had opened the door a chink. डोर थोड़ा सा खोला। I came closer and stood on the step. मैं उसके पास में आके खड़ी होगी। No, I don't know you. नहीं तो मैं नहीं जानती। I am Mrs. S's daughter. S किसी का नाम है। अभी सोचना मत, पूछना मत, ये S कोई नाम होता है क्या? पता है खुद का नाम क्या है? तो कोई पूछे ऐसा कोई नाम होता है क्या? तो है, यह नाम है तभी तो लिखा है। यह अस्यूम थोड़ी है, सपोज इट इज एक्स। मैथमेटिक्स में सीखते हैं ना, पूरा सपोज है। मैथमेटिक्स पूरा ही सपोज है, एक्स ही निकल आते हैं और कुछ तो है नहीं। एक्स का जगह में दूसरा लिखा तो मज़ा नहीं आता। हर जगह में सपोज एक्स, सपोज एक्स क्या मतलब है? ऐसा कोई टीचर बस तो आगे नहीं आ रहे तो एक्स के बदले दूसरा कोई अक्षर यूज़ करें। वो भी रट के रखा है तो उनका मुंह में भी वही आते, सपोज एक्स। बस ये किसी का नाम है। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। यस का नाम सुनते ही वो कसके पकड़ा कर दरवाजे पे ताकि ये धक्का दे के अंदर ना आए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। वो बहुत बड़ा नाटक करके दिखाए तो उसका चेहरे से पता पड़ गया कि उसको जानते ही नहीं है, जबकि वो जान ली, नाम आते ही, यस का नाम आते ही वो पहचान लिया, तभी तो कसके पकड़ा डर डोर पे। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट, परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद मैं गलत जगह में आया, शायद वो नहीं होगी ये। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैं उसको जीवन में एक ही बार देखा इससे पहले, अभी सेकंड टाइम में। फ्लीटिंगली एंड वो भी तेज निकलते हुए, दौड़ते हुए देखा। एंड दैट वॉज यस अगो, वो भी बहुत साल पहले। अब तो बदल गई, लड़की भी बदल गई है, लेडी भी बदल गई। It was most probable that I had rung the wrong bell.
तो ये पक्का है कि मैं किसी दूसरे घर पे आके घंटी बजाए। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। लेडी थोड़ा साइड में आ गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो साइड में आ गया तो मैंने देखा है तो मम्मी का कार्डिगन पहन रखी है ये। कार्डिगन जानते हो ना? नहीं है तो घर पे मम्मी से पूछ लेना कार्डिगन क्या होता। द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उसका बटन वुडन है, वो धोके धोके मतलब फेड कर दिए। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा मैं कार्डिगन पर ज्यादा ध्यान दे रहे, इसलिए वो वापस दरवाजे के पीछे छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब मुझे पता पड़ गया कि मैं गलत घर पे नहीं आया, गलत नंबर में नहीं आया, गलत जगह में नहीं आया, गलत लेडी से मिला, बिल्कुल जिससे मिलना था उसी से ही है, उसी का घर है, वही लेडी है। क्योंकि मुझे पता पड़ गया कि बस मम्मी का कार्डिगन पहन रखी है, इसका मतलब ये वही है। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। अरे तू वापस आ गई क्या? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कोई वापस नहीं आ सकते, ओनली मी, मेरे अलावा। अरे वापस आए नहीं आए तुम्हें क्या लेने देना है। लेकिन पूछने लगी तो वापस आ गई। ये डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पासेज बिहाइंड हर। बस वो दरवाजा बंद कर ली। ये मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, जैसे बंद किया कि ये सूगलस स्मेल आ गया। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाए। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। देखो मैं ट्रेन में आया यहाँ तक। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ थोड़ी देर। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। लेडी ने बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है अभी। आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, किसी और टाइम आ जाओ। शी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर as though no one inside the house should be disturbed। उसने बहुत सावधान पूर्वक दरवाज़ा बंद किया ताकि अगर घर पे कोई है तो वो परेशान ना हो। परेशान ना हो मतलब इन दोनों का बातचीत कोई ना सुने। अंदर कोई हो तो वो तो समझाएंगे ना कोई आया तो बस उसका हिसाब किताब इस घर से, इस लेडी से, हमारे घर वालों से तो समझ जाए। अगर उनके संतान है तो संतान सोचेंगे घर के सारे सामान उसी का ही, जबकि किसी के और का घर का सामान उड़ा के लाया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहाँ खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ मी द बे विंडो मूव्ड। खिड़की में जो पर्दा लगा हुआ था वो हिलने लग गया। Someone stared at me and would then have asked what I wanted। किसी ने मुझे घूरने लगा और पूछा क्या चाहिए। Nothing, the woman would have said। It was nothing। यही तो बोला। I looked at the name plate again। मैं नेम प्लेट में वापस देखा। Darling, it said in black letters on the white enamel, enamel and a paint। Darling लिखा हुआ है इसमें black letters में white paint के ऊपर। And on the jamb, ये bit higher, the number, number 46, थोड़ा सा right side में घर का नंबर भी लिखा हुआ है 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago। अब सामने वाले कह रहे मुझे मुझसे मिलना नहीं है, किसी दिन आ जाओ। तो मैं सोचा वापस जाऊँ,
क्योंकि मुझे जाने का साधन नहीं मिले तो तुम्हें वापस चलेगी। जाते वक्त मैं सोचने लगा कि मेरी मम्मी ने कई साल पहले यही एड्रेस मुझे दी थी, इटिहाड़ी भी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, वो युद्ध के बीच में थे। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। कुछ समय के लिए मैं घर पे आई थी, लगा कि घर पे कुछ बदलाव दिखाई दे रहे, कमरे में चेंजेस है, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। जब मैं यहाँ आई थी उस समय जो भी चीज़ें रखी थी तो वो नहीं दिख रहे। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। मेरी मम्मी को भी ये देख के आश्चर्य हुआ कि तो इतना जल्दी ये इसके बारे में सोचेगी, तो वो सोचा ही नहीं था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब उसने मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। ये मोटी लेडी से जो मिल के है ना, उसका नाम है कौन सा, डॉर्लिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ऑफ माई मदर। वैसे मुझे ज़्यादा जानकारी तो है ही नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि वो मेरी मम्मी की दोस्त थे, whom she had not seen for years, जिसे वो कई साल से नहीं मुलाकात करी। She had suddenly turned up and renewed their contact. वो एकदम निकल आई और पुरानी रिश्ता चालू की। Since then she had come regularly. तब से लेकर वो वापस बराबर आने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her. जब कभी वो यहाँ आती है तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाती है, ये मम्मी ने बताया मुझे। शी टू कॉल द टेबल सिल्वर्स इन वन गो, सिल्वर की आइटम्स एक ही बार में पूरा ले गए। एंड देन द एंटीक प्लेट दैट हंग देयर, फिर वहाँ पर जो लटका रखा था तो वो प्लेट भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेस, इसको उठा के ले जाने में उसको तकलीफ भी हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, मुझे लगा कि बस ये उठाते हुए उसका झटका लग जाएगा कमर पे। माय मदर टुक हर हेड पिटिंगली, उसको देखे मेरी मम्मी को सहानुभूति हो रही थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझे मम्मी से पूछने का हिम्मत नहीं थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, लेकिन मुझे वो चीज़ें बिल्कुल संभाल कर रखना है। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, वो कहती है कि बस मैंने इसलिए अलाउ किया कि अगर हमें यहाँ छोड़ के जाना पड़े तो, वैसे तो छोड़ के जाना है, अगर किसी के पास में रहें तो ठीक है। हाव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, फिर भी मैंने पूछा आपने मान लिया था क्या कि आप ले जाओ ये सब। आसिफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर, हाँ बेटा तो बस जरूरी था उस टाइम, अब छोड़ के जाएँ खाली करके जाएँ तो भी लेके नहीं जा सकते अपन। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर उससे पूछेंगे इसे अरे हमारे सामान वापस दे दो ना, कैसे बोले। And think about the risk she is running each time she goes out of her door with a full suitcase of bag. बैग भर के ले जाते थे, वो देख के सहानुभूति हो गए, उससे पूछूंगी इसे, इतना मेहनत करके उठा के दे ले जा रही थी, वही चीज़ वापस मांगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं लगता है तो नहीं लगता।